पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पितरीशस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्मनाशनम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज एक बार फिर से सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम सत्संग में बैठ पाते हैं उसके लिए परमपिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आपके हृदयों में बैठे हुए उस मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ। हम आजकल अष्टावक्र गीता जी के ऊपर स्वाध्याय कर रहे थे मिलकर। इसमें कल हमने जो श्लोक किया था उसमें बहुत ही विशेष कुछ बातें निकल के आई थी। हालांकि मुझे बाद में लगा कि शायद थोड़ा सा हैवी हो गया, तो उसको आज कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल ना होके साधारण शब्दों में उन भावों को समझने की कोशिश करेंगे जो महर्षि अष्टावक्र जी हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो महर्षि ने कहा था कि अगर तुम अपने शरीर भाव से अलग होके कि मैं शरीर हूं इस भाव को छोड़कर अपनी कॉन्शियसनेस में रह जाओ, यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि
तो अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि, अभी अभी तुम इसी वक्त सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे और बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि बंधन से मुक्ति के बारे में प्रश्न था कि मुक्ति कैसे होगी। पहले श्लोक में तीन प्रश्न थे ना, एक पहला प्रश्न तो ये था कि ज्ञान कैसे होगा, फिर था कि मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा, ये तीन प्रश्न थे। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में आप महर्षि कह रहे हैं कि भाई देखो, बंधन से मुक्ति चाहते हो पहले कहा, तो फिर तुम विषयों को त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इन पांच गुणों का सेवन करो अमृत की तरह से। फिर अब यहाँ कहा कि देखो, तुम ये ध्यान रखो कि तुम पंचभूतों से बने हुए शरीर नहीं हो, तुम तो उन सबके साक्षी आत्मा हो, सबका साक्षी हो। और अगर तुम अभी इसी भाव को अभी ग्रहण कर लोगे तो अभी मुक्त हो जाओगे, मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमें शास्त्र हमारे बताते हैं कि मुक्ति वास्तव में कोई प्रयास से होने वाली चीज नहीं है कि कोशिश करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, जोर लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई उदाहरण से हमने समझा था कि जो पहले से ही मुक्त है उसको क्या मुक्त होना है, जो पहले से ही ताला खुला हुआ है उस ताले को खोलने में कोई जोर नहीं लगाना, अगर लगाते रहेंगे तो खुलेगा ही नहीं क्योंकि उसमें लीवर घूमेंगे ही नहीं, ऑलरेडी घूमे हुए हैं, ऑलरेडी वो खुला हुआ ताला है। तो खुले हुए ताले को हम उसके लिवर्स को टटोल के उनको खोलने की कोशिश करें तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई औचित्य भी नहीं, जस्टिफिकेशन भी नहीं। तो तीन बातें कल निकल के इस श्लोक में से आई थी कि जो बंधन है, जिसको हम बंधन कहते हैं कि जीव बंधा हुआ है, कैसे छूटे, हमारी सारी साधना इन चीजों के ऊपर आधारित होती है कि जीव बंधा हुआ है छूटे कैसे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें छुड़ाओ, संतों से प्रार्थना करते हैं हमें छुड़ाओ, और तो और हम आपस में एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई तरीका बताओ छूटने का। अब कोई ऑलरेडी खुद बंधा हुआ हो तो वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा, जिसके अपने हाथ बंधे हो वो दूसरे को कैसे छुड़ाए, जो खुद दुखी हो दूसरे को सुख कैसे पहुंचाए, जिसके पास जो चीज नहीं हो वो दूसरे को दे कैसे। हमारे शास्त्रों में वो सारी टेक्निक्स लिखी हुई है कि कैसे हो, लेकिन हमें हम उन शास्त्रों को लाल कपड़े में लपेट के रख तो देते हैं, लेकिन अच्छा स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन देखते भी हैं, लेकिन उनकी वैल्यू शायद नहीं समझ पाते, उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। मुझे याद आती है एक वृद्धा भिखारिन थी, एक बुढ़िया भिखारिन थी, वो स्टेशन पे भीख मांगती थी। तो एक किसी व्यक्ति ने उसको कुछ एक दिन हेल्प की, उसको कुछ दिया, तो उसको लगा कि किसी अच्छे घर से लगती है। पूछा कि माता जी आप इस हालत में कैसे हैं, यहाँ पे यहाँ क्यों बैठी होती हैं, आपका कोई घर नहीं है? बोली कि मेरा घर तो है, मेरा एक बेटा है, वो बेटा कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले कहीं दूसरे गांव में, दूसरे देश में नौकरी करने गया था, और वो मुझे जाते जाते कुछ खर्चे के पैसे दे गया था, वो खत्म हो गए। तो बोले कि फिर आपका बेटा आपको वहां से कुछ मदद करता होगा जहां नौकरी करने गया है। तो माता जी ने जवाब दिया कि अब मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो मेरे पैसे खत्म हो गए, वो हर महीने एक रंग बिरंगा सा कागज भेज देता है, उसमें क्या लिखा होता है मुझे तो पता नहीं, मैं अनपढ़ औरत हूं। तो मैंने वो सारे कागज संभाल के रख लिए,
और लेकिन अपने खर्चे के लिए मैं भीख मांग रही हूँ। उस व्यक्ति को उत्सुकता हुई, उसने कहा अच्छा मुझे वो कागज ला के दिखाओ। तो उनके साथ चला गया, वो भिखारिन के घर चला गया, पास में रहती थी। जाके देखा तो हर महीने वो उसको 20,000 रुपए का एक ड्राफ्ट भेजता था। वो ड्राफ्ट की वैल्यू उसको पता नहीं थी, वो तो संभाल के उसने रखे हुए थे फाइल के अंदर, एक किताब के अंदर दबा के रखे हुए थे। उसकी वैल्यू अगर समझ में नहीं आए तो वो ऐसे ही हैं जैसे कैश ड्राफ्ट्स रखे हैं हमारे पास, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। शास्त्रों में वो सारी बातें लिखी हैं, वो सारे आंसर्स लिखे हैं जो हमारे मन में जिनके क्वेश्चंस उठते हैं, उन सबके आंसर्स सबके उत्तर इन शास्त्रों में लिखे हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो अष्टावक्र गीता है ये ऐसे नहीं कहती कि तुम ऐसा काम करो मुक्त हो जाओगे, ऐसा काम करोगे तो असंग हो जाओगे, ऐसा काम करो तो तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि तुम असंग हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सुख का स्वरूप ही हो कहते हैं। हो जाओगे नहीं, होने तक अगर ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ये शर्तें नहीं रखते। वो कहते हैं कि तुम पहले से ही ऐसे हो, पहले से ही मुक्त हो। तो तीन बातें जो मुख्य थी बंधन के बारे में, एक तो यही थी कि बंधन काल्पनिक है, झूठा है, बंधन है ही नहीं। दूसरी बात ये थी कि बंधन सिर्फ एक तरफ से माना हुआ है तो माना ही हुआ ना, माना हुआ है तो वो एक तरफ से माना हुआ है। हम खुद अपने आप को बंधन में मान बैठे हैं बस, और जिसने हमें बांधा है, हम कहते हैं कि मुझे फला चीज ने बांधा है, तो उसने हमें कहीं से नहीं बांधा हुआ। और तीसरी बात जो बंधन के बारे में इम्पोर्टेंट निकल के आती है वो ये होती है कि जो बंधन हम कहते हैं कि बंधन है, इस बंधन के बाद हम स्वयं को मालिक मान लेते हैं जबकि होते हैं गुलाम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक संत कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि कोई व्यक्ति अपनी गाय के गले में रस्सी बांध के ले जा रहा है। तो संत को न जाने क्या सूझी, उन्होंने कहा कि अपने शिष्य से कहा, उसने कहा कि बेटा तुम ये बताओ, गाय ने इस आदमी किसान को बांधा है कि किसान ने गाय को बांधा है, मालिक कौन है? तो शिष्य समझा नहीं, बोला कि महाराज वो तो स्पष्ट है, किसान मालिक है जिसने गले में रस्सी बांधी है गाय के, और जो ले जा रहा है वो मालिक है। तो बोले कि फिर मालिक है तो एक काम करो, तुम जाके इसकी रस्सी खोल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया, जाके वो रस्सी खोल दी। जैसे रस्सी खोली तो गाय तो भाग गई, और गाय के पीछे पीछे किसान भागा उसको आवाजें लगाता हुआ। अब बोले क्या बताओ कौन मालिक था, वो जो पीछे पीछे भाग रहा है या वो जो आगे आगे भाग रहा है? हम जिस संसार के मालिक बन के बैठते हैं, वास्तव में हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम जिन संबंधों से बंधते हैं, हम जिस धन से बंधते हैं, प्रॉपर्टी से बंधते हैं, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, इवन परिस्थितियों से, संबंधों से, बल से, योग्यता से, अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, वास्तव में बंधे हुए नहीं होते। वास्तव में वो सारी चीजें भी हमारे बिना रह सकती हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारा बटुआ हमारी पॉकेट से गिर जाता है तो तब बटुआ तो नहीं रोता, हम रोते हैं।
बटुआ हमारे लिए बेचैन नहीं होता, वो हम बेचैन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस धन का मालिक अपने आप को समझ रहे थे वो मालिक वही था, हम तो उसके सेवक थे, हम तो उसके गुलाम थे। तो ये बंधन एक तरफा है, बंधन में हमने स्वयं को मालिक माना है, वास्तव में मालिक नहीं होते। और एक चीज और भी होती है कि जहां हम कह देते हैं कि ये मेरा है वहां बंधन हो जाता है, जहां कहते हैं मेरा नहीं है वहां बंधन से मुक्ति हो जाती है। एक शास्त्रों में हमारे एक श्लोक आता है, द्व्यक्षरम भवेन मृत्यु त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। दो अक्षर हैं जो मृत्यु की तरफ ले जाते हैं और जो तीन अक्षर हैं वो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। कौन कौन से हैं? ममेति च भवेन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। मम और न मम दो अक्षर है। मम मम मतलब मेरा, मेरा है जो हमें बंधन की तरफ ले जाता है, और न मम मेरा नहीं है। ये न मम तीन अक्षर है जो हमें शाश्वत ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। बकरी जो मैं करे गले छुरी फिरवाए, और मैना जो मैं ना कहे सबके मन को भाए। तो मैं मेरा मेरा जब करते हैं तो जैसे ही मेरा करते हैं तो बंधन हो जाता है, और जब कहते मेरा नहीं है तो सारे बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब बंधन होता है तो क्या होता है? जब कहते हैं कि मैंने किया, ये मेरा काम है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, तो फिर हमें कर्म फल का भोक्ता भी बनना पड़ता है। कर्ता बनते हैं तो भोक्ता भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एक और कथा, आपको एक और शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक किसी स्टेशन पर ट्रेन में कोई आदमी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाके बैठा, अभी वहां दूसरा कोई भी नहीं था। इतने एक सुंदर सी महिला अपने साथ एक बहुत बड़ा अटैची लेके आई, बड़ी मुश्किल से घसीटती हुई लेके आई, उसी डब्बे में घुसी। उस व्यक्ति ने उसे मदद की और खुश हो रहा था कि चलो इसके साथ कंपनी अच्छी हो जाएगी। इतने में वो महिला बोली कि ओहो मुझे एक चीज याद आ गई, आप जरा मेरे सामान का ध्यान रखिए, मैं दो मिनट में आती हूँ। वो कह के स्टेशन पर उतर गई, प्लेटफॉर्म पर उतर गई। उतरने के बाद जब गाड़ी के चलने का टाइम हो गया तब तक वही नहीं, और गाड़ी चल भी पड़ी तो भी नहीं आई। उस आदमी ने सोचा कि क्या करे, कैसे करे, किसी को बताए, फिर चुप करके बैठ गया। और थोड़ी देर में जब वहां कोई अटेंडेंट आया, उसने पूछा सामान आपका है? उसने कहा यस मेरा ही है। तो अब उसने उस अटैची को मेरा कह दिया, क्योंकि उसको लगा कि इसका मालिक तो आया नहीं, अभी मेरा ही होगा। अगले जब थोड़ी देर के बाद उसको अपना अपना स्थान आ गया तो वहां उतरा अपने स्टेशन पे, तो वो अटैची भी लेके उतर गया। जैसे उतरा तो गेट के ऊपर पुलिस ने उसको रोक लिया, ये अटैची में क्या है? उसने कहा मेरा सामान है। अटैची आपका है? हाँ जी मेरा है। उनका ठीक है आप इसको खोल के दिखाइए। खोल के दिखाया तो उसके अंदर एक डेड बॉडी थी, लाश थी। अब वो कहे कि अटैची मेरा नहीं है। कहा नहीं, अब आप कह चुके हैं आपका ही है तो ये अब आपका ही है। तो उसको फिर पकड़ लिया गया। जैसे उसने मेरा कहा, मेरा का बंधन हुआ, बंधन के साथ उसको उस कर्म फल का भोक्ता भी बनना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि मेरा कहने से बंधन हो गया। अच्छा, हमें कौन बताए कि मेरा वास्तव में है क्या? हम
क्या है, हमें क्या होना चाहिए, हम क्या बन के बैठ गए, हमें ऐसी बात समझाए कौन। या तो कोई महर्षि अष्टावक्र जी जैसा कोई सिद्ध संत मिले जो एक ही बात में, एक ही सेंटेंस से आपकी आंखें खोल दे, हमारी आंखें खोल दे। या फिर शास्त्रों से कुछ, भगवान की कृपा हो, इनका कोई सेंटेंस हमारे अंदर उतर जाए। एक बार क्या हुआ कि एक महिला, अनपढ़ महिला को कहीं जाना था, उसकी एक डीलक्स बस के अंदर उनके बच्चों ने टिकट करा दी। वो टिकट लेके बस में पहुंच गई। अच्छा, उसको पढ़ना तो आता नहीं था, उसको ये भी नहीं पता था कि इस टिकट का नंबर क्या है, कौन सी सीट नंबर है, सीट नंबर पता नहीं थी। वो किसी भी सीट पे जाके बैठ गई, सारी बस खाली पड़ी थी। अभी थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि माता जी, आप जिस सीट पे बैठी हैं वो मेरी सीट है। तो बोली, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। वो जाके किसी दूसरी सीट पे बैठ गई। वहां पहुंची तो फिर उसका सीट का मालिक आ गया, उसने कहा माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, ये तो मेरी सीट है। अब माता जी तीसरी सीट पे बैठ गई। इस तरह से 4-5 बार हुआ, बस भरने लगी। अब माता जी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। उन्होंने देखा कि ड्राइवर की सीट खाली पड़ी है, तो वहां जाके बैठ गई। जब ड्राइवर आया तो उसने कहा, जब बस भर गई, ड्राइवर आ गया तो उसने कहा कि माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं। बोले कि बेटा मुझे पता नहीं, मैं तो टिकट भी लिया है, मैं जिस सीट पे भी बैठती हूँ सब कहते हैं कि ये मेरी नहीं है, तो मेरी सीट कौन सी है मुझे पता नहीं। तो ड्राइवर समझ गया, उसने ले जाके बड़े आदर के साथ उसका सीट नंबर देख के माता जी को सीट के ऊपर जाकर बैठा दिया। बोला कि माता जी अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, इस सीट पे आप बैठ गए हो ना, अब यहाँ से आपको कोई नहीं उठाएगा। और जब आपका शहर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होके बैठ जाइए। और वाकई ऐसा ही हुआ, उसको फिर किसी ने नहीं उठाया, वो अपनी सीट पे बैठ गई। देखिए, ये जो बस है, ये बस इस जीवन की यात्रा की बस है। हम सब यात्री हैं, हमें पता नहीं है कि हमारी सीट कौन सी है, हमें कहाँ जाके बैठना चाहिए। हमने कभी तो इस चीज को अपना कहा, उसका असली मालिक आ गया। हमने दूसरी चीज को अपना कहा, उसका मालिक आ गया। कभी बेटे को अपना कहा, कभी बेटी को अपना कहा, कभी पत्नी को अपना कहा, कभी पति को अपना कहा, कभी संपत्ति को अपना कहा, लेकिन वास्तव में हम उसके मालिक नहीं थे। जब उसका वास्तविक मालिक आया तो हमें वो छोड़ना पड़ा। तब कोई सदगुरु आए ड्राइवर के रूप में, उन्होंने हमें उठा के हमारे स्वरूप में जाके बिठाया। उन्होंने कहा कि तुम इस शरीर भाव से उठ के अपनी चित्ती में जाके विश्राम करो, अब यहाँ से तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, तुम अभी अभी सुखी हो जाओगे, तुम्हारा रोना धोना बंद हो जाएगा, अभी शांत हो जाओगे और अभी मुक्त हो जाओगे। तो हमें कोई हमारे स्वरूप को याद दिला दे, हमारी सीट बता दे कि ये तुम्हारी सीट है, तो हम उस सीट के ऊपर बैठें। और फिर हमें हमारा जब गंतव्य आए, जब हमारे प्रभु से मिलन का समय आए, तो हाथ पकड़ के हमें वहां से उठा के प्रभु के चरणों में बिठा दे। तो ये अष्टावक्र गीता जी का ये सिद्धांत है कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो उसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शब्दों में बताया जाता है।
केवल यही है कि मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, ये याद रखना है। देने वाले ने दिया वह भी दिया, किस शान से कि लेने वाला, लेने वाला मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब किसी का है दिया। तो ये बात याद रखनी कि मैं नहीं, मेरा नहीं, अगर खुद से मिलना है तो खुद को भुलाना पड़ता है। बेखुदी छा जाए इतनी, दिल से खुदी मिटने के बाद, बेखुदी छा जाए इतनी, दिल से बेखुदी मिटने के बाद, खुद से मिलने का तरीका खुद के मिट जाने में है, खुद से मिलने का तरीका खुद के मिट जाने में है। खुद मिट जाएंगे, अपना जो अस्तित्व मिटाएंगे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो खुद को मिटोएंगे, खुद को मिटाएंगे तो ही अपना स्वरूप प्रकट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोकों में प्रवेश करते हैं। सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 5। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। कहते हैं कि ये वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी को पूछा जाए तो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, अपनी पहचान ऐसे बताते हैं। तो यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम आश्रम वाले नहीं हो, आश्रम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ना वर्ण से तुम्हारा कोई संबंध है, ना तुम्हारा आश्रम से कोई संबंध है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम का मतलब गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तुम सन्यासी नहीं हो, वानप्रस्थी नहीं हो, गृहस्थी नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, शूद्र नहीं हो, तो तुम क्या हो? असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। कितने सुंदर शब्द है, तुम असंग हो। असंग का मतलब जिसको कोई अटैचमेंट नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ जैसे गीता जी कहती है ना कि तुम असंग कैसे बनो, तुम्हें असंग होना है। हमारे सभी शास्त्र कहते हैं, संत भी कहते हैं कि तुम अनासक्त हो जाओ, किसी में आसक्ति मत करो। यहाँ कहते हैं कि अनासक्त हो जाओ का क्या मतलब, तुम अनासक्त हो, तुम असंग हो, असंगो सी। फिर कहते हैं निराकार हो, ये जो तुम्हारा आकार दिखाई देता है ना, वास्तव में ये आकार वाले तुम नहीं हो, तुम इससे ज्यादा विस्तार वाले हो। क्योंकि जो चीज आकार में होती है ना, यानी जो चीज साकार होती है, उसकी एक सीमा होती है, वो एक देशीय होती है, और जब वो निराकार हो जाती है तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती, वो असीम हो जाती है। जब भगवान को हम साकार रूप में देखते हैं तो साकार रूप में एक जगह पे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम भगवान को निराकार कहते हैं तो भगवान उस निराकार रूप में सब को पीने का मन है। जब
पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई कि ये रावण कुंभकर्ण इत्यादि ने मेरे ऊपर बड़े अत्याचार कर दिए, राक्षसों का बहुत शक्ति बढ़ गई है, राक्षसी शक्तियां बढ़ गई है, मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी फिर पृथ्वी को लेके भगवान की शरण में गए। उससे पहले सब मीटिंग बुलाई गई कि कैसे करें, भगवान के पास कैसे पहुंचे। तो मैं तो देखो दिवाली अपनी शादी वाली में पहुंच गए। भगवान शंकर कहते हैं कि उस सभा में, देवताओं की सभा में मैं भी बैठा था, तो वहां सब लोग विचार कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कि वैकुंठ चलते हैं, वहां मिलेंगे। किसी ने कहा कि नहीं नहीं वो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे होंगे, वहां चलते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, जहां आप बैठे हैं यहां भी हैं। आप प्रेम से उनको यहीं बैठ के पुकारिए तो यहां प्रकट हो जाएंगे। अग जग में सब रहित विरागी, कितने सुंदर शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए। और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी, आग होती है ना अग्नि, अग्नि अपने निराकार रूप से सब जगह पे विद्यमान है, जल अपने निराकार रूप से सब जगह विद्यमान है। हम इतना तो कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी 50% हो गई, आज 60% हो गई, पता भी चलता है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता, जल दिखाई नहीं देता निराकार रूप में। वो निराकार रूप में चारों तरफ पूरे एक एक कण के अंदर जल तत्व है, एक एक कण के अंदर अग्नि है, ये पांचों तत्व जो है बिल्कुल एक एक कण के अंदर विद्यमान है। उसको प्रकट करने का तरीका है, उसको साकार करने का एक तरीका है। अगर आप पत्थर को घिसेंगे, माचिस की तीली घिसेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, और एक जगह प्रकट है तो कई जगह भी प्रकट हो सकती है, एक ही समय में कई जगह में साकार रूप में भी प्रकट हो सकती है। ये तो तत्वों का उदाहरण है, पंच महाभूतों का उदाहरण है, और जो भगवान तो इन सबके स्वामी है, उनके अंदर तो अचिंत्य शक्तियां हैं। वो निराकार होते हुए भी साकार रूप में कई जगह विद्यमान हो सकते हैं, एक समय में कई जगह हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो निराकार रूप है वो पूरे विश्व का साक्षी रूप है। तो इसने कहा कि असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी। हे महाराज जनक, आपका यह स्वरूप है, आप असंग हो, आप निराकार हो, आप जिस शरीर वाले दिखाई देते हो, आप जो क्षत्रिय दिखाई देते हो, आप जो गृहस्थी दिखाई देते हो, आप ऐसे नहीं हो। आप जो पंच महाभूत वाले दिखाई देते हो, आप ऐसे नहीं हो। आपका वास्तविक स्वरूप ये नहीं है, आपका वास्तविक जो आत्म स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वो असंग है, मेरा अनासक्त है। असंग मतलब जिसको कोई चीज टच ना कर सके, और निराकार हो, तुम सर्वव्यापक हो। आगे जाके इनको विभो भी कहेंगे, विभु, विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक। महाराज जनक को कहेंगे विभु, आप सर्वव्यापक हो। अपने उस सर्वव्यापक और विश्व साक्षी रूप का ध्यान करो, उस रूप में आप स्थित हो जाओ। कल साक्षी रूप की बात हो रही थी तो मैंने आपको एक अभ्यास भी बताया था, आप करके देखिएगा सब लोग। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करते करते उसको ऑब्जर्व करिए, खुद शरीर से काम करें, मन की आंखों से उस काम को होते हुए देखें। फिर जब आप मन से सोचें तो बुद्धि से उस सोच को उठते हुए देखें, उस कल्पना को, उस संकल्प विकल्प को उठते हुए देखें, और उसको फिर शांत होते हुए देखें,
हमारे अंदर जो इमोशंस आती हैं उन इमोशंस को उठता हुआ देखें, फिर शांत होता हुआ देखें। इस प्रकार से अपने साक्षी आप बने, आप अपने हर एक्शन के साक्षी बने। ऐसा साक्षी होते होते आप उसी जगह जाके बैठ जाएंगे जहां पे हमें महर्षि अष्टावक्र जी जाके बिठाना चाहते हैं, जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं। आप वहीं जाके, हम सब वहीं जाके बैठ जाएंगे। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा कि तुम विप्र आदि यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण नहीं हो, आश्रमी नहीं हो, अर्थात किसी भी आश्रम वाले यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास या आश्रम वाले भी नहीं हो, और न अक्ष गोचर आँख आदि जो ये इंद्रियां हैं आप इंद्रियों वाले भी नहीं हो, आप इंद्रियां भी नहीं हो। हमारे पास 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास होती है, हमारी होती हैं, हम नहीं होते। इंद्रियां शरीर मेरे हैं, मैं नहीं हूं, बस ये याद रखना है। मेरे हैं कहते ही उससे अलग थोड़ा सा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब मेरा होता है तो मैं से अलग होता है ना। फिर उसके ऊपर विचार करेंगे तो विचार करते करते पता चलेगा कि वो मेरे नहीं है, मेरे भी नहीं है। कैसे विचार करेंगे कि अगर मेरे होते तो मेरी आज्ञा से चलते, मेरे कंट्रोल में होते। शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं बीमार हूं लेकिन हो गया। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं कमजोर हो जाऊं, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं हो जाऊं, हो गया। और मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं शरीर को छोड़ के मर जाऊं, मर गया। तो इसका मतलब ये है कि ये शरीर मेरे बस में तो नहीं चल रहा, किसी और के कंट्रोल में चल रहा है। ये इंद्रियां किसी और के कंट्रोल में चल रही हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे आंखों पे चश्मा लगाना पड़े, मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे कानों में हियरिंग एड लगानी पड़े, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी जो इंद्रियां कमजोर हो रही उनको कुछ सपोर्ट करने की जरूरत पड़े, लेकिन वो कमजोर हो गई। इसका मतलब वो किसी और के कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो मेरी कैसे हुई, और जो चीज मुझे मिली हुई है और वापिस करनी है तो मेरी कैसे हुई, वो तो एक अमानत हुई मेरी, तो मैं तो उसका स्वामी नहीं हुआ। पहले आप ये सोचें कि शरीर और इंद्रियां मैं नहीं हूं, मेरे हैं। उसके बाद विचार करें कि वास्तव में मेरे भी नहीं है, किसी और के है, किसी और के कंट्रोल में है। संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी तिल मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। ऐसा महसूस करिए, ऐसा विचार करिए। ऐसा विचार करते ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें जिस बात का बहुत अभिमान रहता है ना कि मैं हूं ये मेरा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये मेरा इतना बड़ा पद है, तो जब आप इसको एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं तो पता चलता है कि हमारी औकात तो कहीं भी नहीं थी। अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो हमें दिल्ली के साथ गुड़गांव बिल्कुल एक डॉट के रूप में दिखाई देगा, और विश्व के नक्शे में जब देश को देखें, भारत को देखें, तो छोटा सा दिखेगा, और जब पूरे ब्रह्मांडों के पूरी जो गैलेक्सी है, उस हमारी जो गैलेक्सी मिल्कवे, उस गैलेक्सी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो पृथ्वी कितनी छोटी सी होगी, और जब अखिल ब्रह्मांड की दृष्टि में देखें तो हमारा ब्रह्मांड, हमारा जो, फिर हमारा वो गुड़गांव कहाँ गया, हमारी दिल्ली कहाँ गई,
तो दिल्ली में मेरा वो घर कहाँ गया जिसके ऊपर मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वो उसमें मैं कहाँ गया, उस मैं के साथ जुड़ी हुई चीजें कहाँ कहाँ है। तो जब आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बड़ा बना देते हैं, तो अपनी वो छोटी सी एक औकात, छोटी सी बनाई हुई पहचान जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, वो समझ में आ जाती है, उसकी वास्तविकता दिखाई देने लगती है। तो इस चीज को याद रखना है कि मैं ये छोटा सा शरीर, इसके साथ जुड़ी हुई इंद्रियां, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ वर्ण आश्रम, ये सब नहीं हूं। मैं इन सब से असंग हूं, मैं निराकार हूं। निराकार मतलब विस्तृत, सर्वव्यापक। मैं उस सत्ता का एक अंश हूँ, उस सत्ता को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर हमारा वेद हमें कहते हैं, अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत के पुत्र हो। मानव क्या है? अमृत पुत्र है। अमृत पुत्र का मतलब होता है कि अमृत ही है। अमृत है तो वो मरेगा क्यों? निर्विकार साक्षी को कोई क्या विचलित कर पाएगा? मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जो जल है ना, मृग मरीचिका का जल, मरुभूमि को आर्द्र कहाँ कर पाएगा? यह मृग मरीचिका है, ये हमारे इस मरुस्थल को गीला भी नहीं कर सकता। केवल काल्पनिक जगत है, काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक रिश्ते हैं, काल्पनिक पोजेशंस है। फिर आप तो इस काल्पनिक जगत में हम अपने आप को जो समझ रहे हैं वो नहीं है। बस इतना याद रखना है, हमारी उस पहचान को भुलाना है। तो खुद को मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। जब इस खुदे को मिटाएंगे, अब गुरु ने कहा कि, शिष्य ने कहा कि महाराज मैं बहुत अकेला हूं, मुझे आपका आपकी शरण चाहिए। तो गुरु ने कहा कि तू खुद है, खुद ही है, खुदा है, अकेला कैसे हुआ? उसने कहा कि मैं अकेला हूं, तेरी यह शिकायत कतई ना वाजिब, बिल्कुल अनजस्टिफाइड शिकायत है। तो खुद है, खुद ही है और खुदा भी है। तो खुद है मतलब सेल्फ, आत्मा है, लेकिन तूने उसमें खुद ही अपना ईगो, उसका आवरण लगा लिया। और खुदा भी है। तो उसने कहा मैं खुद हूं, खुद ही है, खुदा है और ना खुदा भी। ना खुदा मतलब, ना खुदा कहते हैं जो कश्ती का जो एक नाविक होता है ना, मल्लाह। तो गुरु को भी ना खुदा कहते हैं। तो गुरु जी को कह रहा है कि मैं खुद हूं, खुद ही है, खुदा है और ना खुदा भी। कश्तिये सफरे हयात मोहताजे मदद फिर किस लिए? सफरे हयात मतलब जिंदगी के सफर में मेरी जो कश्ती है, इसको फिर मदद की क्या जरूरत है? मदद क्यों मांगता हूं ये समझाओ। तब गुरु ने उसको कहा कि देखो भैया, तुम्हारा खुद से मिलने के लिए बेचैन हो, खुद से मिलने का यही तरीका है कि खुद ही को मिटा दो। गुरु जी से कहा कि मुझे खुदा से मिला दो। खुदा ने कहा पहले खुद ही को मिटा दो। तेरे दर पे रख के जमीन, खुद ही को मिटा के खुद को ही पा लिया। कहते ना तो खोया कुछ था जो मिल गया, ना मिला था कुछ जो गंवा दिया। खोया पाया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर।
उस अवस्था में कुछ भी खोया नहीं, कुछ भी पाया नहीं, बस केवल अपनी असली पहचान मिल गई। वही पहचान हमें अष्टावक्र जी यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद एक श्लोक और आता है, धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। हे विभो, हे सर्वव्यापक, कितना सुंदर विशेषण है। भगवान को विभो कहते हैं, विभू कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, विभू भी कहते हैं। विभू का मतलब सर्वव्यापक। यहाँ पे जनक जी को कहते हैं कि अरे तुम छोटे से शरीर के साथ से बैठे, तुम सर्वव्यापक हो। हे विभो, हे सर्वव्यापक आत्मा, तुम धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये तुम्हारे से कोई संबंध नहीं रखते। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या, धर्म और अधर्म की व्याख्या बहुत मुश्किल होती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन जब ज्ञानी होता है ना, तो उसको धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं रहता। धर्म और अधर्म के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। धर्म और अधर्म की परिभाषाओं से, जरूरतों से, लक्षणों से वो ऊपर उठ जाता है, अलग हो जाता, ट्रांसेंड कर जाता है। धर्म अधर्मौ, फिर कहा सुख दुखौ, सुखम दुखम, सुख और दुख। आज मैं सुखी हो गया, आज मैं दुखी हो गया, तो ये मानसानी, ये मन तक हैं, मन के हैं, ये मन के संबंध से होते हैं। सुख भी होता है, दुख भी होता है, धर्म और अधर्म, ये सब मन के संबंध से होते हैं, बुद्धि के संबंध से भी होते हैं। नाते, ये तेरे नहीं है, अर्थात तेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। मानसानी नाते विभो, न करता सी न भोगता सी, मुक्त एवासी सर्वदा। कहाँ लाके बिठा देते हैं। असल में वही बात है कि यहाँ इन सूत्रों को का स्वाध्याय करते समय हम ये सोचें कि हम बिना किसी टेक्निकल शब्दों के बहुत आसानी से इसका अर्थ करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, तो फिर थोड़ी जस्टिफिकेशन सी नहीं लगती। फिर भी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा जितना सरल तरीके से इन चीजों को समझ सके उतना अच्छा। तो यहाँ कहा तुम ना तो करता हो ना भोगता हो, ना करता असी, ना तुम करता हो ना भोगता असी, तो क्या हो, मुक्त एव असी सर्वदा, सर्वदा मुक्त एव असी, तुम सर्वदा मुक्त ही हो, तुम हमेशा से मुक्त हो, कभी बंधन में नहीं थे जो अब छूट जाएगा, या उस बंधन को छोड़ने के लिए तुम्हें कोई कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं, तुम तो जहां थे वहीं हो। मैं कहीं हूं वो कहीं है, ये गुमा था मुझको। मैं कहीं हूं वो कहीं है, ये गुमान था मुझको। मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम न था। मैं जहां हूं वो वहीं था, मुझे मालूम न था। वो रगे जहां से भी करी था, वो मुझे मालूम न था। हर में दिल में वो मकी था, मुझे मालूम न था। केवल मालूम नहीं था, केवल याद दिलानी है बस। अष्टावक्र जी ने हमें केवल ये याद दिलाया। तो यहां पर आप एक और चीज देखिए, ये जितने शब्द हैं, ये भाई कल मैंने बात बताई थी, ये रिलेटिव वर्ड्स है, रिलेटिव टर्म्स है, सापेक्ष शब्द है, आत्मा निरपेक्ष तत्व है, आत्मा का कोई कंपैरिजन नहीं, उसमें कोई कोई द्वंद्व नहीं, उसमें कोई धर्म अधर्म कुछ नहीं, आत्मा में किसी तरह की कोई
इफ बट कुछ भी नहीं, आत्मा तो आत्मा है, जैसा है वैसा ही है, और वही मैं हूं, वही हम है, उसमें फिर कर्ता भोक्ता भी नहीं है कि मैं कर्ता बन गया अब मुझे इसका फल भी चाहिए, भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जैसे मैं कहूंगा कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं हूं, जैसे ही किया, जैसे ही सोचा, तो वहीं का वहीं कर्ता बने तो वहीं का वहीं भोक्ता बनना पड़ता है, वहीं का वहीं भोक्ता बन जाते हैं, साथ के साथ इंस्टेंटली हमारे अकाउंट में चला जाता है। ऐसा कैसा इंस्टेंट ट्रांसफर होता है अकाउंट में, इंस्टेंट। हम जिसकी तलाश करते हैं, अपने स्वरूप की तलाश करते रहते हैं ना, हम जिस अपने स्वरूप की तलाश करते हैं वो हम खुद हैं। जब कहते असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव, यहाँ पे कहते हैं अकर्तासी अभोक्तासी, तो अकर्ता है तू, अभोक्ता है, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी, वो मुक्त तू ही है। हम मुक्ति वाला अपना एक स्वरूप ढूंढते हैं कि हम अपने स्वरूप की तलाश में हैं, और वो खो गया है भगवान, कहीं खो गया है, हम उसकी तलाश में हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा दशमस्त्वमसि, हमारे ना इसमें अध्यात्म में बड़े टिपिकल से एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल सारे सुने हुए होंगे, सुने हुए होते हैं, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ता है। दशमस्त्वमसि, जैसे 10 व्यक्ति कहीं घूमने निकले, इकट्ठे जा रहे थे, रास्ते में एक नदी देखी, शीतल जल था, गर्मी का टाइम था, उन्होंने कहा चलो स्नान कर लेते हैं। सब लोग स्नान करने के लिए उतरे, और जैसे बाहर निकले तो उनका जो लीडर था उसने कहा कि देख तो ले कि हम सब ठीक ठाक वापिस आ गए, हमारे में से कोई खो तो नहीं गया, डूब तो नहीं गया। उसने सबको लाइन लगा के सामने खड़ा किया और गिनना शुरू किया। उसने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 9 ही रह गए, 10वां खो गया, 10वां रह गया, 10वां डूब गया। तो एक व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं हम दिखाई तो सब दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लाओ मैं गिनता हूं। फिर दूसरे व्यक्ति ने भी गिना, उसने सबको सामने खड़ा करके गिना 1 से 9 तक, 10वां गिनना वो भी भूल गया। ऐसे 10 के 10 व्यक्तियों ने 9 ही गिने, 10वां खो गया, 10वां डूब गया, बैठ के सारे वहीं पे विलाप करने लगे, रोने लगे। वहां से कोई एक किसान निकल रहा था गांव का, उसने कहा कि भाइयों क्या बात है, आप सब लोग मिलके रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 10वां व्यक्ति था साथ में, वो डूब गया। उसने एक नजर में देखा कि ये तो 10 ही है, वो सारी बात समझ गया। उसने कहा ठीक है मैं बताता हूं, आप सब लोग खड़े हो जाओ सामने। उसने जब सामने खड़ा किया तो एक एक के सिर पे हाथ रख के गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10वें को एक थप्पड़ मारा। उसका है कि दशमः त्वमसि, 10वां तू है। वो बोला कि नहीं बाबा, मैंने तो अभी गिने थे खुद, अभी तो मैंने खुद गिने थे, 10वां तो मेरा ही था। तो उसने कहा अच्छा चलो फिर दोबारा से गिनते हैं। इसलिए उसने फिर दूसरे व्यक्ति से गिनना शुरू किया। इस बारी 10वां नंबर किसी और पे आया, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने कहा कि दशमः त्वमसि, 10वां तू है। एक एक करके उसने 10ों व्यक्तियों को समझाया कि 10वां तू खुद है। हम जब देखते हैं ना तो खुद को देखना भूल जाते हैं, संसार को देखते रहते हैं, हमारी दृष्टि संसार की तरफ रहती है। देखिए हम जीव है ना, जीव होता है बीच में, उसके एक तरफ होता है संसार, एक तरफ होते हैं परमात्मा। अच्छा उस जीव का मुंह संसार की तरफ होता है,
तो हो जाता है बंधन, संसार से बंध जाता है, संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं उनको अपने द्वारा की भी मान लेता है और संसार के साथ जितने संबंध हैं उनमें अपने आप को बांध लेता है, ये हो जाता है बंधन। अगर ये थोड़ा सा मुंह घुमा के परमात्मा की तरफ देख ले, संसार से पीठ कर ले, असंग हो जाए और भगवान की तरफ देख ले तो हो जाती है मुक्ति। बंधन और मुक्ति सिर्फ इतना ही तो है कि आप एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ घूम जाए, अपना सिर घुमाना है केवल। बुल्ले शाह को उनके गुरु ने कहा था, बुल्लिया रबदा की पावना है, इधरों पुटना ते उधर लावना है। इधर से उखाड़ के उधर लगाना ही तो है, मन को संसार से उठा के परमात्मा में लगाना है, यही बंधन मुक्ति का एक साधन है बस। जद तक ना तू खुदी नू मिटाएगा तद तक ना तू रब नू पाएगा। जब तक तू अपनी खुदी को, अपनी ईगो को मिटाएगा नहीं तब तक भगवान को पाएगा नहीं। अर्थात भगवान को पाना हुआ मुक्ति और संसार से जुड़े रहना ईगो हुआ बंधन। तो यही बंधन और मुक्ति का पूरा विज्ञान है बस, और कुछ भी नहीं है। प्रतीति से प्राप्ति की तरफ मैंने जैसे आपको एक बार बताए थे, टेक्निकल वर्ड्स बोलना नहीं चाहता, संसार से परमात्मा की तरफ बस, संसार से घूम के परमात्मा की तरफ देखने लगे। तो भगवान ने कहा कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। जैसे ही ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है अर्थात संसार से हटके मेरी तरफ आ जाता है तो उसी समय सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं दो बातें छिपी हुई है अर्थात पाप से भी और पुण्य से भी। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, भगवान को जब हम समर्पित करते हैं खुद को, जब हम भगवान की शरण होते हैं तो पाप और पुण्य दोनों ही भगवान को समर्पित हो जाते हैं। शरभंग ऋषि ने जब भगवान के दर्शन किए थे तो उसने अंत में क्या किया, उसने कहा कि आज तक मैंने जो पूजा जप तप ज्ञान जो भी किया है, जो भी साधन किया है, वो सब साधन आपको समर्पित करता हूं, आप मुझे बस अपने चरणों में प्रीति दे दो, भक्ति दे दो और आप यहीं खड़े रहो और मुझे अपने धाम जाने दो। भगवान के देखते देखते उसने चिता बनाई और उसके अंदर बैठ के भगवान के धाम चले गए। पाप पुण्य सब कुछ उनको समर्पित, प्रभु को समर्पित। तो यहाँ पाप जब कहा जाता है तो उसका मतलब है पाप और पुण्य है। अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, इसका मतलब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा पाप और पुण्य दोनों से। अर्थ में तो आता है पाप, क्योंकि पाप इसलिए आता है क्योंकि अर्जुन पाप से डर रहा था कि अगर मैं अपने लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं पाप तो तब होगा जब तू युद्ध से भागेगा, अगर तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो पाप होगा। उनको मारने से पाप नहीं होगा, युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। बस केवल तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जय ततो युद्धा युजस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। लास्ट में फिर पाप मुक्ति की घोषणा उसकी कर दी। तो वो पाप से डरता था तो वह पाप की बात की। यहाँ जो हम जिस मुक्ति की बात करते हैं उस मुक्ति का मतलब होता है पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाना, क्योंकि पाप भी बंधन है पुण्य भी बंधन है। पुण्य थोड़ा सोने की चेन वाला बंधन है, पाप लोहे की चेन वाला बंधन है, बस इतना ही फर्क है तो बंधन। तो यहाँ महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम धर्म और अधर्म के चक्कर से भी दूर हो जाओ, क्या धर्म है क्या अधर्म है ये परिभाषाएं अब तुम्हारे लिए नहीं है। और दूसरी बात ये कही कि तुम
सुख और दुख इन बंधनों से भी मुक्त हो जाओ, मुक्त हो, क्योंकि ये सब मन के लेवल तक हैं, आप मन के लेवल से ऊपर हैं। धर्मा अधर्मौ धर्म अधर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, तुम तो विभु हो, तुम तो सर्वव्यापक हो, निराकार हो, असंग हो, विश्व साक्षी हो। तो क्या है, न करता असी न भोक्ता असी, तू करता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है, मुक्त एवासी सर्वदा, तुम सर्वदा हमेशा हमेशा से मुक्त ही हो। तो महर्षि से पूछे गए उन प्रश्नों के उत्तर में महर्षि अष्टावक्र जी बंधन का विज्ञान समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि बंधन वास्तव में है नहीं, तुम मुक्त ही हो, बस तुम अपने आप को शरीर समझते हो, अपने आप को दृष्टा भाव में स्थित नहीं होने देते, यही एक तुम्हारा बंधन है। तो आगे के श्लोकों में, आज तो समय की मर्यादा के अनुसार यहाँ पे विराम देंगे, और आगे के श्लोकों में फिर इसी क्रम को लेके और चलेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो, तो आप डायरेक्ट मुझे या प्रभा दीदी के माध्यम से, प्रभात भैया के माध्यम से, सुधा जी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप मुझ तक अपनी क्वेरीज पहुंचा दे, तो प्रभु की कृपा से कोशिश की जाएगी कि उनको हम सब मिलके यहाँ सॉल्व करें। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता होगा, मैं सबका उत्तर दे पाऊंगा, मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब साधक एक साथ मिलके इस यात्रा पे निकले हैं, तो अब गंतव्य तक तो पहुंचना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज यही विराम देते हैं। राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ तुम्हें सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। यस, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम सबको।